स्वागत है आपका। आईपीएल 2019 का क्वालिफायर वन जो है वो खेलने वाली है चेन्नई सुपर किंग की टीम। लेकिन इस मैच से पहले एक बहुत ही ज्यादा बुरी खबर जो है वो आई है चेन्नई सुपर किंग के लिए, जो इस टीम को काफी ज्यादा इफेक्ट करने वाली है। दोस्तों क्या है खबर आपको बताएंगे इस वीडियो में, तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों यहां पर आईपीएल 2019 के 55वें मैच में चेन्नई सुपर किंग को यहां पर किंग्स इलेवन पंजाब के हाथों 6 विकेट से हार का सामना जरूर करना पड़ा, लेकिन पॉइंट टेबल में टॉप 2 में बनी हुई है ये टीम और खेलने वाली है आईपीएल 2019 का क्वालिफायर वन। तो ये एक बहुत ही अच्छी खबर है चेन्नई सुपर किंग के लिए और चेन्नई सुपर किंग के फैन के लिए कि क्वालिफायर वन जो है वो हमें चेन्नई सुपर किंग की टीम खेलते हुए नजर आएगी। लेकिन यहां पर दोस्तों इस मैच में एक बहुत ही बुरी खबर मिली चेन्नई सुपर किंग को, जहां पर आपको बता दें कि फील्डिंग करते हुए केदार जाधव जो है वो इंजर्ड हुए, जहां पर उन्होंने अपने शोल्डर को जो है वो इंजर्ड किया। और अब आपको यहां पर बता दें कि एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आई है, जहां पर केदार जाधव जो है वो हो चुके हैं आईपीएल 2019 से पूरी तरीके से बाहर। तो ये एक बहुत ही बड़ा झटका है चेन्नई सुपर किंग के साथ साथ टीम इंडिया को, क्योंकि यहां पर वर्ल्ड कप 2019 काफी ज्यादा करीब आ चुका है और ऐसे में अगर जल्दी फिट नहीं होते हैं केदार जाधव तो ये एक बहुत ही बड़ा झटका होगा इंडियन टीम के लिए भी। जहां पर दोस्तों मैच के बाद कोच स्टीवन फ्लेमिंग ने इसके बारे में बताया, जहां पर उन्होंने कहा कि कल जो है स्कैन और एक्सरे होगा केदार जाधव का और उसके बाद जो है वो रिपोर्ट्स आएगी, लेकिन उन्हें नहीं लगता कि अब वो आईपीएल 2019 में चेन्नई सुपर किंग के लिए खेलते हुए नजर आएंगे। यानी आईपीएल 2019 में उनका खेलना जो है अब यहां पर काफी ज्यादा मुश्किल हो चुका है और उन्होंने कहा कि मैं आशा करता हूं कि रिजल्ट जो है वो अच्छा है, स्कैन का रिपोर्ट अच्छा है, ताकि वो वर्ल्ड कप 2019 के लिए यहां पर खेलते हुए हमें नजर आए इंडिया की तरफ से। तो बहुत ही बड़ी खबर है ये, जहां पर केदार जाधव जो है वो दोस्तों इंजर्ड हुए हैं और अब यहां पर आईपीएल 2019 से वो हो सकते हैं बाहर। चेन्नई सुपर किंग को ये एक बहुत ही बड़ा जो है वो झटका लगा है। हालांकि दोस्तों केदार जाधव ने अभी तक कुछ ऐसा परफॉर्मेंस नहीं किया था, लेकिन एक बहुत ही बड़े प्लेयर है केदार जाधव, जो कि यहां पर टीम इंडिया के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर है। आशा करते हैं कि जल्दी से वो फिट हो जाए और वर्ल्ड कप की स्टार्टिंग में ही हमें खेलते हुए नजर आए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, ये एक अपडेट आ रही थी केदार जाधव को लेकर जो कि हमने आपको बताई। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं।